हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं फॉलो करती हूँ मेरी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग रखने के लिए। नाउ इट इज़ मुझे बहुत सारी ऐसी कमेंट्स मिलती है कि मैं कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन कैसे इतनी नेचुरली ग्लोइंग है या फिर इतनी क्लीन एंड क्लियर है, मैं क्या क्या फॉलो करती हूँ, क्या क्या स्किन केयर रूटीन है मेरी। तो ऐसा कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं है, मैं बस कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करती हूँ, सिंपल चीज़ें फॉलो करती हूँ जिससे मेरी स्किन जो है नेचुरली हेल्दी एंड ग्लोइंग रहती है। नाउ मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड हम इसे स्किप करते हैं हमारी डेली रूटीन में, एंड हर कोई जो भी अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करते हैं ये लास्ट में बताती है, बट मैं आपको फर्स्ट बता रही हूँ कि आपको लॉट्स ऑफ वाटर ड्रिंक करनी है एवरी डे। आप 4 से 5 लीटर मिनिमम वाटर कंज्यूम कीजिए। अगर 4 से 5 लीटर नहीं होती है तो मिनिमम आपको 3 लीटर कंज्यूम करना ही होगा। वाटर आप जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे आपकी स्किन जो है उतना ज्यादा हेल्दी रहेंगे, ग्लोइंग रहेंगे, क्योंकि आप जितना ज्यादा वाटर कंज्यूम करेंगे आपके शरीर से उतना ज्यादा टॉक्सिन्स बाहर जाएगी, तो आपकी स्किन पर वो इफेक्ट नहीं करेगी, आपके स्किन काफी ज्यादा हेल्दी एंड ग्लोइंग रहेंगे। एंड ये मैंने प्रैक्टिकली ये एक्सपीरियंस किया है। जब से मैं बहुत ज़्यादा वाटर पी रही हूँ मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है पहले से, एंड मेरी एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम भी बिल्कुल दूर हो गई है। आप देख सकते हैं अभी मेरी स्किन पर एक भी पिंपल या फिर एक्ने की प्रॉब्लम नहीं है, एंड मेरी स्किन पहले से ज़्यादा ग्लोइंग भी हो गई है। मेरी स्किन पर ड्राइनेस की प्रॉब्लम थी, मतलब मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई थी, वो भी अभी मुझे उतना ज़्यादा फील नहीं होती है। सो ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर अगर आप हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन चाहते हो। सेकेंड थिंग गाइज, जो बहुत ही बेसिक है, आपको एवरी डे एक रूटीन फॉलो करना है जो CTM रूटीन है, दैट इज क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। जिन लोगों की ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन पर लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम होती है, एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम ज्यादातर ऑयली स्किन पर होती है, तो आपको भी मैं बताऊंगी आप बेसिक जो आपकी स्किन केयर रूटीन है आप एवरी डे फॉलो कीजिए। दिन में 2 टाइम्स, दैट इज क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो कब कब फॉलो करेंगे? आप सुबह उठ के फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको बाहर जाना पड़ता है तो आप सुबह उठ के मत फॉलो कीजिए, सुबह आप नॉर्मल वाटर से स्किन को वॉश कर लीजिए। आप जब बाहर से आते हो तब आप CTM रूटीन फॉलो कर सकते हैं आपकी स्किन को क्लीन करने के लिए, एंड ऑब्वियसली रात को सोने से पहले आप CTM रूटीन फॉलो कर सकते हैं। क्लेंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर तीनों चीज ही आपको आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली चूज करना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ड्राई स्किन के लिए जो भी प्रोडक्ट्स होती है CTM के लिए आप वो चूज कीजिए। आपकी अगर ऑयली स्किन है तो आप उस हिसाब से आपकी प्रोडक्ट्स चूज कीजिए, एंड अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली आपकी प्रोडक्ट्स चूज करना होगा। कभी भी ड्राई स्किन की प्रोडक्ट्स ऑयली स्किन पर काम नहीं करेगी, ऑयली स्किन की प्रोडक्ट ड्राई स्किन पर काम नहीं करेगी। थर्ड थिंग इज, जो सेकेंड जो मैंने आपको स्टेप बताया या फिर टिप बताया उससे रिलेटेड है, दैट इज मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर आप कभी भी स्किप मत कीजिए। बहुत सारी गर्ल्स ये सोचते हैं, स्पेशली जिन लोगों की ऑयली स्किन है, गर्मियों में समर्स में बहुत ज्यादा स्किन ऑयली हो जाती है तो मॉइस्चराइजर यूज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। मॉइस्चराइजर आपको हर सीजन में यूज करना है, चाहे समर हो, चाहे विंटर हो, चाहे मॉनसून हो, किसी भी सीजन में आपको मॉइस्चराइजर ऑब्वियसली यूज करना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ऑयली स्किन के लिए या फिर हर सीजन के लिए ओवरऑल कौन सी मॉइस्चराइजर अच्छी है, यहाँ पर ऑब्वियसली मैं एक मॉइस्चराइजर रिकमेंड करूंगी आपको जो मैं रिसेंटली यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिली है इससे, दैट इज ममाअर्थ का ये विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है, ऑब्वियसली समर्स में बहुत ज्यादा स्वेट आती है, कोई भी मॉइस्चराइजर अगर हम यूज करते हैं तो पसीना पसीना हो जाता है, स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन है। कोई भी स्किन टाइप वाले इसे यूज कर सकते हैं। ये जो है गाइस, इसमें आपको विटामिन सी की गुडनेस मिलेगी, गो टू कोला की गुडनेस मिलेगी। ये आपको 24 आवर्स तक हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगी, एंड ये नॉन स्टिकी मॉइस्चराइजर है,
स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाएगी, नेचुरल रेडियंस को भी ये रिस्टोर करेगी। ये प्रोडक्ट, नॉट ओनली दिस प्रोडक्ट, ममाअर्थ की सारी प्रोडक्ट्स जो है पैराबेन फ्री है, सिलिकन फ्री है, लाइट ऑल स्किन टाइप पर सूट करती है। इसकी क्वांटिटी आपको मिलेगी 80 ग्राम एंड ये एक यूनिसेक्स प्रोडक्ट है गाइज। ऑल्सो ममाअर्थ जो है एक इंडियन ब्रांड है, पीटा सर्टिफाइड ब्रांड है, तो आप बेझिझक इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए गाइज, मैं बस 2 से 3 ड्रॉप ले रही हूँ, मेरी पूरी फेस को ये कवर कर देगी। एंड इसे अप्लाई करने के बाद आप देखिए स्किन बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लग रही है, स्किन काफी सॉफ्ट एंड सपल भी हो जाती है। एट द सेम टाइम आपकी स्किन को बहुत अच्छी से ये हाइड्रेशन प्रोवाइड भी करेगी अप टू 24 आवर्स। ऑल्सो अगर आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा एक्ने है, बहुत ज्यादा पिंपल है, डार्क स्पॉट्स है, बहुत ज्यादा ऑयली है, लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ओपन पोर्स है, तो आप विटामिन सी ये मॉइस्चराइजर के बदले टी ट्री ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम ममाअर्थ। ये स्पेशली ऑयली एंड एक्ने प्रॉन स्किन के लिए है। इसमें आपको टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड की गुडनेस मिलेगी जो एक्ने एंड पिंपल के साथ फाइट करेगी, स्किन को नॉन स्टिकी मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगी एंड सीबम प्रोडक्शन को भी ये रेगुलेट करेगी। सेम तरीके से आपको अप्लाई करना है। इस मॉइस्चराइजर को आप एवरी डे फॉलो कीजिए, दिन में 2 टाइम आफ्टर क्लेंजिंग एंड टोनिंग योर स्किन। इसके बाद जो टिप है गाइज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपकी हेयर को आप रेगुलर बेसिस पर क्लीन कीजिए। क्लीन मतलब आपको आपकी हेयर की स्कैल्प जो है इसे क्लीन रखना होगा, क्योंकि अगर आपकी स्कैल्प क्लीन नहीं रहती है, अगर आपकी स्कैल्प पर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, इचिंग की प्रॉब्लम है, तो उससे आपको पिंपल की प्रॉब्लम आ सकती है, एक्ने की प्रॉब्लम आ सकती है। स्किन को क्लीन करने के साथ साथ आपको हेयर को भी क्लीन करना होगा। आपको हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करना होगा, जिससे आपकी स्कैल्प क्लीन रहेंगे एंड आपकी स्किन भी अच्छी रहेंगे। इसके बाद लास्ट जो टिप है, जो मिक्स है, बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, दैट इज आपको प्रॉपर नींद की जरूरत है। अगर आपकी नींद 6 से 7 घंटे नहीं होती है एवरीडे, तो आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम आ सकती है, स्किन पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ऑल्सो आपको अच्छी अच्छी फूड्स कंज्यूम करने हैं, ज्यादातर आपको सब्जी एंड फ्रूट्स कंज्यूम करने हैं, जिससे आपकी स्किन जो है हेल्दी हो जाएंगे, ग्लोइंग हो जाएगी। उसके साथ आपको ऑयली चीजें, फास्ट फूड, जंक फूड्स, इस तरह की चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। एंड लास्ट थिंग गाइस, बी हैप्पी ऑलवेज, टेंशन फ्री रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, जिससे आपकी स्किन एजलेस रहेंगे एंड आपकी स्किन काफी हेल्दी एंड ग्लोइंग भी रहेंगे। ऑल्सो गाइज, अगर ममाअर्थ की आप ये प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हो, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ममाअर्थ ने अपना ऐप भी लॉन्च किया है, ऐप यूजर्स को सेल्स के बारे में अर्ली एक्सेस मिलेंगे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। अगर आप मेरी कूपन कोड यूज करते हो तो गाइज आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिलेंगे ऑन ममाअर्थ की वेबसाइट। मेरी कूपन कोड जो है Sabina2021। आपको ये प्रोडक्ट्स नॉट ओनली ममाअर्थ की वेबसाइट, नॉट ओनली ममाअर्थ की ऐप, आपको ये Amazon, Nykaa, Purple एंड फर्स्ट क्राई पर भी मिल जाएंगे। सो गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे से वैसे वीडियोस के लिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।